हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं देखो लाइबिलिटीज़ जो है ना वो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड होती हैं मतलब अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन की जाएगी तो आप उसके लिए लाइबल बन जाते हो अगर आप नहीं परफॉर्म करते है ना और जो ड्यूटीज़ दी हो ड्यूटीज़ दी जाती हैं आपको वो रिलेटेड होती है आपके राइट्स से अगर आपको कोई राइट दिया जा रहा है अब राइट क्यों दिया जा रहा है क्योंकि आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए असाइन हुई है उस ड्यूटी को करने के लिए आपको राइट दिया जा रहा है और अगर आप वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं बींग एन ऑडिटर ठीक है auditor, अगर आप करते हैं या नेग्लिजेंस के साथ करते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो या पार्शली कर रहे हैं या प्रोहिबिटेड एक्ट्स को कर रहे हो तो आप उस चीज के लिए उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपकी वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है ठीक है तो क्या कहते हैं देखो

एज अ रिजल्ट ऑफ़ हिज नेग्लिजेंस हिस क्लाइंट हैज़ टू सफ़र एनी लॉस अगर ऑडिटर के नेग्लीजेंस के कारण उसके क्लाइंट को किसी भी तरह का अगर लॉस सफ़र करना पड़ता है देन द ऑडिटर कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द सेम एंड कोर्ट्स कैन कंपेल द ऑडिटर टू मेक गुड द डैमेज सफ़र बाय द क्लाइंट और अगर अब वो ऐसा करता है तो जो एक तो पहली बात लाइबल होगा ठीक है और कोर्ट भी उसे कंपेल करेगा ऑडिटर को कि जितने भी डैमेजेस डैमेजेसर किया ना आपके क्लाइंट ने आप उन सभी को कंपनसेट करेंगे ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल टू बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिटर बट इन एवरी सिचुएशन हैज स्पेसिफिक लाइबिलिटीज फॉर विच इज सिविल लाइबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज क्रिमिनल लाइबिलिटी इन टूडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है सिविल लाइबिलिटी में आपके फोर लाइबिलिटीज आती हैं लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस लाइबिलिटी फॉर मिसफेजेंस लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज एंड द फोर्थ वन इज लाइबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट चलिए डिस्कस करते हैं सिविल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं देखो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करेंगे कि सिविल लाइबिलिटीज़ एक ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर अगर ऑडिटर को गिल्टी माना गया है गिल गिल्टी प्रूव हो जाता है तो वो डैमेजेस पे करेगा ठीक है उसके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगेगा कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो भी वो लॉस सफ़र करेगा थर्ड पार्टी या आपके क्लाइंट करेगा उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ठीक है तो आपको ये चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है कि इस वाली सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है आपका ऑडिटर जो भी ऑडिटर है वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल होता है उसे कोई भी इम्प्रेजमेंट नहीं प्रोवाइड मतलब इंप्रेजमेंट भी नहीं होगी और कोई फाइन भी नहीं होगा ठीक है चलिए फर्स्ट वन इज इस लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस देखो क्या कहते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर दैट ही विल डू हिज वर्क विद ड्यू कॉशन डेलिजेंस एफिशेंसी सिंसियरिटी एंड विल of his contract with the client and the provisions of the Companies Act 2013 देखो ऐसा अगर आप कंपनी में किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट तो यही करोगे ना उससे कि वो जो भी काम करेगा वो डेरीजेंसी के साथ करेगा सतर्क होकर काम करेगा एफिशिएंसी के साथ सिंसियरिटी के साथ और जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है क्लाइंट के ऑडिटर के बीच में उसको फॉलो करेगा वो और जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसके जो जितने भी प्रोविजन उन सभी को प्रोवाइड करेगा बट हेंस इट इज़ क्लियर दैट इफ द ऑडिटर डज नॉट अबाइड बाय द अबव अगर ऑडिटर इन चीज़ों को अबाइड नहीं करता है फॉलो नहीं करता है ही कैन बी हेल्ड गिल्टी उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाएगा एंड हेल्ड लाइबल फॉर हिज नेग्लिजेंस और उसको उसकी नेग्लिजेंसी के लिए लाइबल ठहराया जाए। ठीक है अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेग्लिजेंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी तो क्या कहते हैं नेग्लिजेंस इंक्लूड्स ऑल सच एरर्स विच रिजल्ट इन लॉसेस टू अदर्स एंड इट इंक्लूड्स विलफुल एज वेल एज इन वॉलेंट्रली मिस्टेक्स ठीक है कमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वंस ड्यूटी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं ऐसा एरर करते हैं जिसके कारण सामने वाली पार्टी को लॉस हो रहा है ठीक है अब विलफुली हो या इनवॉलेंट्रली हो अगर आपके द्वारा कोई भी मिस्टेक्स की गई है ड्यू टू लैक ऑफ वन ड्यूटी आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है ठीक है ना आपको नॉलेज ही नहीं है तो उस केस में आप नेग्लिजेंस माने जाओगे कि आपने नेग्लिजी दिखाई है और उस चीज के लिए आप लाइबल लै, हो गए डैमेजेस को पे करने के लिए ठीक है नाउ सेकेंड वन इज लाइबिलिटी फॉर मिस देखो नेग्लिजेंस में क्या है कि आप काम तो कर रहे हो जो ऑडिटर है वो वर्क तो कर रहा है बट वो कॉशियस होकर काम नहीं कर रहा ठीक है अपनी इंटेलिजेंसी के साथ काम नहीं कर रहा बट मिस फेजेंस में क्या होता है ऑडिटर अपनी ड्यूटी ही नहीं करता ठीक है या तो फुली ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा या पार्शली ड्यूटी नहीं कर रहा या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है बैंड है बट स्टिल वो डू मतलब वो काम कर रहा है क्लियर चलिए इफ एनी ऑडिटर डज नॉट डू द ड्यूटी इज इंटरेस्टेड टू हिम देन ही शेल बी हेल्ड गिल्टी फॉर मिस फेजेंस ऑन द अदर हैंड डूइंग प्रोहिबिटेड टास्क ऑल्सो अमाउंट्स टू मिस फेजेंस क्लियर है अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जा रही या फिर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म किया जा रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है ठीक है कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिटेड है या फिर क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑडिटर के साथ उसमें ही वो चीज़ नहीं बोली गई है और ऑडिटर ऐसा काम करता है तो वो माना जाएगा कि लेबल है फॉर मिस फेजेंस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड मिस पेजेंस ऑब्वियसली मैंने बता दिया है कि नेग्लिजेंस क्या होता है कि ऑल्टर काम तो कर रहा है अपनी ड्यूटीज तो परफॉर्म कर रहा है बट वो अपनी ड्यूटी को इंटेलिजेंसी के साथ नहीं कर रहा सतर्क होकर काम नहीं कर रहा मतलब नेग्लिजेंस कर रहा है केयरलेस होकर काम कर रहा है ठीक है बट मिस पेजेंस क्या है कि ऑडिटर फुली या पार्शली ही काम नहीं करता है या फिर करेगा तो कोई प्रोहिबिटेड टास्क करेगा ठीक है चलिए एक बार देख लेते हैं इफ द ऑडिटर डज नॉट डिस्पेंस हिस ड्यूटीज एक्सरसाइजिंग फुल कॉशन इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी ही शेल बी गिल्टी फॉर नेग्लिजेंस अगर वो काम नहीं करेगा सतर्कता के साथ इंटेलिजेंसी के साथ डेलीजेंसी के साथ तो माना जाएगा कि वो नेग्लिजेंस होकर काम कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड मिस फेजेंस इंक्लूड्स फुल्ली और पार्शली नॉट डूइंग एनी टास्क और फुल्ली और पार्शली डूइंग एनी प्रोहिबिटेड टास्क अगर कोई काम नहीं किया जा रहा है चाहे वो फुली नहीं कर रहे हो या पार्शियली नहीं कर रहे हो ठीक है या फिर फुली या पार्शियली कोई प्रोहिबिटेड टास्क कर रहे हो तो उस केस में आपका जो ऑडिटर है वो माना जाएगा लायबल फॉर मिसफीसेंस क्लियर है चलिए इन नेगलिजेंस द वर्क इज कंप्लीटेड बट नॉट विद ड्यू कॉशन एंड ऑनेस्टी वेयर एज इन केस ऑफ मिसफीसेंस द वर्क इज टोटली और पार्शियली नॉट कंप्लीटेड क्लियर नाउ अब एक बात बोलते हैं इफ़ द ऑडिटर इज हेल्ड गिल्टी ऑफ मिस अगर एक बार ऑर्डर मतलब ऐसा माना गया कि वो गिल्टी है ऑफ देन ही इज लाइबल टू पे डैमेजेस फॉर द सेम ऑफ कोर्स उसे डैमेजेस तो पे करने पड़ेंगे एंड कैन बी कंपेल्ड टू डू सो और उसने जो काम नहीं किया है उसको वो काम करने के लिए भी पर्टिकुलरली कंपेल किया जाएगा ठीक है जो उसने ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं की है अपनी उसको भी एन्फोर्स किया जाएगा कि आपकी पहले ड्यूटी कंप्लीट करें और उन ड्यूटी को ना करने के कारण जो सामने वाली पार्टी को या फिर क्लाइंट को जो डैमेजेस हुए हैं उसको भी वो पे करेगा क्लियर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट द कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द ऑडिटर फॉर मिस पेजेंस ओनली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी जब केस करना चाहेगी ना अपने उसके ऊपर ऑडिटर के ऊपर कि वो मिस प्रजेंस के लिए उसे प्रूव किया गया गिल्टी है वो तो वो सिर्फ और सिर्फ उस अपनी कंपनी के लाइफ टाइम में ही करेगी अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है उस केस में लिक्विडेटर या फिर कोई क्रेडिटर या मेंबर ऑफ द कंपनी कैन फाइल केस उस केस में कंपनी डायरेक्ट नहीं कर पाएगी ठीक है अगर तो रनिंग में है तो कंपनी केस कर सकती है बट अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई है तो ये राइट किसके पास आ जाएगा केस करने वाला या तो लिक्विडेटर क्रेडिटर या फिर किसी मेंबर ऑफ द कंपनी के पास ठीक है आई रिपीट द कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द ऑडिटर फॉर मिस ओनली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम

तो हम थर्ड पार्टी उन सभी इंडिविजुअल्स को कहते हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जैसे कि कंपनीज के क्रेडिटर्स हो गए डिवेंचर होल्डर्स बायर्स सेलर्स डेटर क्रेडिटर बैंक एटसेट्रा ठीक है all of them usually enter into transactions with the company relying upon the audited accounts of the company generally kya dekha jata hai ki jitne bhi ye members hai na jinke bhi naam le ja rahe hai na upar buyer hai creditor hai debtor seller hai na to ye sabhi company ke sath transactions mein aate hain किसके बेसिस पर जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग की गई है मतलब ऑडिटेड अकाउंट्स को रिलाय करके ही company के साथ किसी भी तरह का connection बनाते हैं है ना बट अगर कंपनी का जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो कोई भी फ्रॉड मतलब उसमें कोई फ्रॉड है कोई भी एरर दिखाया गया है विलफुली तो उस केस में हम क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि क्या ऑडिटर लाइबल है या नहीं है या फिर जो हमने ऊपर केसेस पड़े हैं नेग्लिजेंस का मिस का तो अगर ऐसा करता है तो क्या ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल है चलिए इफ ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस और मिस प्रजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर एनी ऑफ दीज पार्टी सफर अ लॉस अगर ऑडिटर के नेग्लिजेंसी के कारण या मिस प्रेजेंस के कारण अगर सामने वाली पार्टी थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का कोई लॉस होता है कोई हानि पहुँचती है देन द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द से उस केस में ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए लाइबल नहीं होगा बहुत ध्यान से देखो देन द ऑडिटर कैन नॉट बी लाएबल फॉर द से सेंस देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना वो तो क्लाइंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर के बीच में हुआ है और अगर काम नहीं किया जा रहा है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है लाइबल है टूवर्ड्स द क्लाइंट टूवर्ड्स द कंपनी बट उनके जो थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी क्लियर है क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ थर्ड पार्टी के साथ ऑडिटर का तो थर्ड पार्टी के लिए वो लाइबल भी नहीं होगा ठीक है ना बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड कमिट करता है जिसके कारण थर्ड पार्टी को लॉस बियर करना पड़ सकता है तो उस केस में आपके जो थर्ड पार्टी है वो केस कर सकती है उनके टू आपके ऑडिटर की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सपोज ऑडिटर ने कोई अकाउंट्स की ऑडिटिंग की ठीक है और उसने दिखा दे कि बहुत सारे प्रॉफिट्स है उसने अपने सर्टिफिकेशन भी दे दिया ऑडिटर ने कि यस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स है काफ़ी सालों से प्रॉफिट में चल रही है कंपनी अब ये ऑडिटेड अकाउंट्स को देखते हुए किसी इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया बट जब इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि कंपनी में तो काफ़ी सालों से लॉस हो रहे हैं है ना तो इस केस में कोई एरर किया था कोई फ्रॉड किया था आपके ऑडिटर ने जिसके ऊपर आप रिलाई करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अब इस केस में आपका ऑडिटर लाइबल बन जाएगा टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी क्योंकि उसके ऑडिटर के एक्शन के कारण थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है ठीक है बट नेग्लिजेंसी के कारण कोई मिस प्रेजेंस के कारण आप कभी भी थर्ड पार्टी के लिए लाइबल नहीं होते हो इफ यू आर वर्किंग एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी क्लियर है बहुत इंपॉर्टेंट था ये चलिए नेक्स्ट आपकी लाइबिलिटी आती है लाइबिलिटी इज अंडर द कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनी अगर ऑडिटर किसी भी तरह रॉन्ग स्टेटमेंट देता है प्रोस्पेक्ट में कंपनी के देन ही शेल बी लाइबल फॉर द सेम वो लाइबल होगा रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए एंड शेल हैव टू मेक गुड द डैमेजेस सफर्ड the company ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिस और उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर जिन जिन लोगों ने जिन जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था और कंपनी को लॉस हो गया है उस पर्टिकुलर केसेस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन सभी डैमेजेस को कंपनसेट करेगा ठीक है क्लियर है चलिए क्या कहते हैं द ऑडिटर विल बी लाइबल ओनली वेन इट हैज इट हैज इशूड सर्टेन अनट्रू स्टेटमेंट्स विच हैव बिन इन्क्लूडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अगर कोई कंपनी में अन ट्रू स्टेटमेंट बताई गई है और पीपल परचेजिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स डिड सो रिलाइंग अपॉन द सेट स्टेटमेंट और उन्होंने इन्वेस्ट तब किया क्योंकि वो स्टेटमेंट्स को देखते हुए जो कि अन ट्रू थी बट इन्वेस्टर्स को थोड़ी पता है कि ऑडिटर ने कुछ इसमें फ्रॉड किया हुआ है उन्होंने तो उसके ऊपर रिलाई कर लिया और इन्वेस्टमेंट्स कर दी एंड एज अ रिजल्ट द इन्वेस्टर सफर अ लॉस और उसको लॉस हुआ है तो इस केस में आपका ऑडिटर लाइबल हो जाता है ठीक है तो जिस जितने भी डैमेजेस सफर करेंगे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे उसे कंपनसेट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स क्लियर है तो आज हमने डिस्कस किया है देखो लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर और वी कैन से लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी अब सिविल लाइबिलिटी में हमने फोर फर्दर पार्ट्स करे हैं लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस मिस फिजेंस टूवर्ड थर्ड पार्टीज कंपनीज एक्ट ठीक है अब देखो सिविल लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें अगर आप ये देखते हैं कि ऑडिटर को गिल्टी प्रूव किया गया और उस केस में वो डैमेजेस पे करेगा उसको कोई फाइन नहीं देना होता उसको कोई भी इंप्रिजनमेंट नहीं होती ना तो उसे फाइन देना ना ही उसे जेल होगी वो क्या करेगा उसे डैमेज देना पड़ेगा जो सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ है ठीक है फर्स्ट हमने किया है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस सेकेंड मिस फेजेंस नेगलिजेंस में क्या होता है कि ऑर्डर काम तो कर रहा है बट कॉशियस होकर काम नहीं कर रहा इंटेलिजेंसी के साथ काम नहीं कर रहा बट मिस फेजेंस में क्या होता है कि ऑर्डर ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं कर रहा है चाहे पार्शली चाहे फुली और अगर कर रहा है तो वो प्रोहिबिटेड टास्क कर रहा है वेदर इट इज़ अ पार्शल और फुली देन हमने डिस्कस किया है लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज अब अगर थर्ड पार्टी में भी दो चीज़ें हैं अगर ऑडिटर गिल्टी प्रूव हुआ है फॉर नेग्लिजेंस या फिर मिस उस केस में ऑडिटर आपका लाइबल नहीं होता टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी बट कोई ऐसा फ्रॉड कमिट किया है जिसके कारण थर्ड पार्टी को लॉस सफ़र करना पड़ा है उस केस में आपका ऑडिटर लाइबल होगा टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी क्लियर देन हमने किया liabilities under companies है लाइब लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट ये बोला गया कि अगर ऑडिटर ने कोई भी ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्ट्स में और उसके ऊपर अलाय करते हुए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उन्हें लॉस हो गया उस केस में आपका ऑर्डर लाइबल हो जाएगा ठीक है तो अब सिविल लाइबिलिटीज़ आपकी डन है क्रिमिनल लाइबिलिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो टू शेयर योर रिव्यूज़ And don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.